ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, सो वेलकम टू मेकअप विद शुगर। आज का लुक होने वाला है एंगेजमेंट मेकअप लुक, जैसा कि आप टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे। एंड यस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में एंड इंस्टाग्राम पे कहा था कि एंगेजमेंट लुक क्रिएट करो, सो यहाँ पे मैं बहुत ही डिसेंट सा एंड ब्यूटीफुल सा लुक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये बिगनर्स के साथ साथ प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं, या फिर जो चाहते हैं अपने वेडिंग या एंगेजमेंट में अपने स्पेशल डे पे खुद ही मेकअप करना, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। सो या गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हो एंड वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो या विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इट इज़ योर स्पेशल डे, सो मेक श्योर यू हैव डन योर स्किन केयर रूटीन। आपका फेस अच्छी तरह से क्लीन है, मॉइस्चराइज है, सो फर्स्ट आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना अपने लिए। मैं यहाँ पे मदर्स पर्श का फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि ये आपका स्पेशल डे होने वाला है एंड आपको ये मेकअप लॉन्ग लास्ट वेयर करना है, प्लस आपके फ़ोटोशूट्स वगैरह भी होंगे। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका स्किन केयर रूटीन है वो अच्छी तरह से हुआ हो, देन ही आप मेकअप अप्लाई करो, सो दैट जो मेकअप का एप्लीकेशन है बहुत अच्छी तरह से होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए वेट एंड वाइल्ड का सीरम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है, अगर आपका फेस ऑयली है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके फेस पे। सो इसे मैंने एक अच्छे क्वांटिटी में अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैवी मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि जो वेडिंग डेज़ का टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप नेचुरल लुक करोगे तो वो ज़्यादा आउटफिट के साथ अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत सिंपल सा हो जाता है। सो यहाँ पे मैं जो मतलब प्रोडक्ट का क्वांटिटी तो कम ही यूज़ करूँगी, बट जो आई मेकअप है वो थोड़ा हैवी करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मेरा प्राइमर लग चुका है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना आई मेकअप करूँगी। सो यहाँ पे मैं अपने आईज़ पे लगा रही हूँ कंसीलर, मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर है 40। सो इसे मैं डायरेक्टली अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो प्राइमर था मैंने अपने आईलिड पे भी अप्लाई किया था। सो ये जो शेड है ये मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है, बहुत हल्का सा लाइट शेड है मेरे स्किन टोन से। सो इसे अप्लाई करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे मैं छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से आपको डैप करते हुए इसे ब्लेंड करना है, या फिर आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप फ्लॉलेस लुक चाहते हो तो डेफिनेटली आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही वर्क करें। कंसीलर लग चुका है, अब मैं यहाँ पे इसे हल्के से पाउडर के साथ सेट करूँगी। तो मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितना हल्का सा पाउडर लिया है ब्रश में एंड डैप करते हुए इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ ब्लू स्मोकी आईज़ जो कि इंटेंस होने वाला है। सो उसके लिए आपको ज़्यादा पाउडर नहीं अप्लाई करना है, अगर आप पाउडर नहीं भी अप्लाई करते हो तो भी चल जाएगा। सो यहाँ पे आई शेडो के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का एक्स स्पेक्ट्रा आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से मैंने ये वाला शेड पिक किया है एंड इसे अपने डायरेक्टली क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे आपको अपने डिज़ायर कलर आने तक इसे ब्लेंड करना है। सो मैं यहाँ पे ब्लू स्मोकी आईज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो ऑफ वाइट कलर का है एंड मैंने जो ज्वेलरी पहनी है वो ऑफ वाइट पर्ल एंड ब्लू कलर के स्टोन का है। सो यहाँ पे मैंने सोचा इसे थोड़ा सा कंट्रास्ट में करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी का जो कलर है उसके हिसाब से यहाँ पे आई मेकअप किया है। जो वहाँ ज्वेलरी के अंदर जो स्टोन यूज़ किया हुआ है वो डार्क ब्लू कलर का है, सो यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर का ही आई मेकअप करूँगी। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे डार्क करते हुए जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने डार्क कलर का ब्राउन शेड पिक किया है ये वाला एंड इसे भी मैं अपना डिज़ायर कलर आने तक इसे ब्लेंड करती रहूँगी। सो यहाँ पे आपको तब तक ब्लेंड करते रहना है जब तक आपको अपना डिज़ायर कलर ना मिल जाए, या फिर आप सेम वे में भी जा सकते हो अगर आप सेम कॉपी कर रहे हो तो इस ट्यूटोरियल का।
पे एंड में जो डार्केस्ट ब्राउन कलर था मैंने वो वाला कलर भी अप्लाई कर लिया है अपने क्रीज पे इस तरह से। सो जो आप लाइट कलर से डार्क कलर जाते हो तो उससे जो है आपका क्रीज अच्छी तरह से डिफाइन होता है, आपका जो आईलिड है वो बड़ा दिखता है। सो यहाँ पे मैं कट क्रीज करने वाली हूँ, उसके लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का, आप चाहे तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से कट क्रीज अप्लाई कर रही हूँ। मैं फुल कट क्रीज नहीं करूँगी, मैं अपने आईलिड के थर्ड पार्ट तक ही करूँगी इस तरह से। सो यहाँ पे भी अगर आपका कट क्रीज अप्लाई करने का तरीका प्रॉपर नहीं है, लाइक अगर आप प्रॉपर शेप में कट टू कट नहीं अप्लाई कर पाते हो तो चलेगा, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आप क्रीज तक ही अप्लाई करो। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का जो आई शेडो था उसे अप्लाई करना यहाँ पे चालू कर दिया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से। As you can see अभी यहाँ पे मैंने हल्का हल्का अप्लाई करना चालू किया है तो कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है, बट आप इसे अपने अगेन डिज़ायर कलर आने तक ब्लेंड कर सकते हो, लाइक आप लाइट टू डार्क कर सकते हो। सो यहाँ पे डार्क आने तक मैंने ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन डार्केस्ट जो ब्राउन शेड था उसे पिक किया है एक फ्लफी ब्रश में एंड मैं दोनों जो क्रीज लाइन एंड आउटर वी वाला लाइन है उसे मर्ज कर रही हूँ अच्छे से, ताकि जो ब्लू कलर एंड ब्राउन कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, सो एक स्मोकी सा इफेक्ट आ जाए। सो यहाँ मैंने दोनों आईज पे ब्लू कलर अप्लाई कर लिया है। नाउ मैं यहाँ पे अपने फेस की तरफ जाऊँगी, सो यहाँ पे मैं फेस का मेकअप करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का फेस सीरम फाउंडेशन यूज़ किया है इन द शेड ऑफ 37। सो ये बहुत ही लिक्विडी सा फाउंडेशन है, तो आई गेस इसमें जो ऑयल का कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसका जो ओवरऑल कवरेज है बहुत अच्छा है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, ये आपके स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा क्योंकि इसका जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके फाउंडेशन में ऑयल का कंटेंट है तो। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलर से ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाई कवरेज मेकअप किया हुआ है, क्योंकि ये एक वेडिंग लुक में जा रहा है ये जो मेकअप है। सो आपको उस हिसाब से ही अपना फाउंडेशन एंड कंसीलर चूज़ करना है, क्योंकि जो कम कवरेज वाले फाउंडेशन होते हैं या फिर कम कवरेज में आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो कम क्वांटिटी में, तो वो कुछ टाइम के बाद यू नो आपकी स्किन में दिखने लगता है। सो मेक श्योर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, अगर आपकी स्किन आप फेयर इनफ हो, काफ़ी ज़्यादा फेयर हो, सो आप यहाँ पे कम फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, बट ओवरऑल कवरेज के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने इसे पहले ब्रश से ब्लेंड कर लिया था, फिर मुझे लगा ब्रश से प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही लिक्विडी फॉर्म में है, तो मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है जिससे ये काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है। सो अगेन यहाँ पे आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करो, अगर आपको अच्छा एंड स्मूथ फिनिश चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें। सो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन लग चुका है, अब मैं यहाँ पे अपने अंडर आई को कंसील करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम शुगर। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपने आउटर वी पे भी अप्लाई कर लिया है ताकि जो मेरा आई शेडो है उसका विंग डिफाइन हो जाए अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा जो भी यहाँ वहाँ फॉल हुआ हो वो भी इस तरह से कवर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा चिन एंड फॉरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी सो दैट मेरा जो फेस है वो हाईलाइट हो जाए। अगर आप चाहे तो यहाँ पे और एक टोन लाइटर शेड यूज़ कर सकते हो कंसीलर का, बट मुझे थोड़ा सा नेचुरल स्किन टोन में ही जाना था इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला शेड पिक किया है। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा लाइट और चाहिए तो आप नॉर्मल लाइटर शेड का भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया है। मैंने यहाँ पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है जो मैंने कंसीलर ब्लेंड करने के टाइम पे यूज़ किया था अपने आईलिड पे। सो यहाँ पे मैंने अपना ओवरऑल कंसीलर ऑलमोस्ट डन कर लिया है ब्लेंड करते हुए, आपको इसे डैप करते हुए ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो कितना स्मूथली ब्लेंड हो जा रहा है। सो यहाँ पे मेरा कंसीलर अप्लाई करके हो चुका है। सो आप अपने स्पेशल डे के लिए ये मेकअप कर रहे हो तो मेक श्योर आपका जो मेकअप है कहीं से भी क्रीज ना हो, तो आप जैसे ही कंसीलर अप्लाई कर लेते हो मेक श्योर आप अपना अंडर आई बेक कर रहे हो या फिर सेट कर रहे हो किसी भी लूज़ पाउडर से। मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का टिंटेड लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सो मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ टिंटेड पाउडर है
वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लाइक अगर आपका कंसीलर डार्क हो गया है या लाइट हो गया है, अगर आपके पास एग्जैक्ट टोन का आपके टिंटेड पाउडर अवेलेबल है तो आप उसे सेट कर सकते हो एंड प्रॉपर कर सकते हो। सो जो टिंटेड पाउडर होते हैं वो उसका ही काम करते हैं एंड बहुत ही नेचुरल सा इफेक्ट दे देते हैं आपके ओवरऑल जो फेस का लुक होता है उसे। सो यहाँ पर मैंने अपने ओवरऑल फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट। मैं यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो पाउडर कॉन्टोर होते हैं मैं उसे बहुत ही इजी वे में लेती हूँ, बहुत इजीली हो जाता है इसलिए। सो मैं यहाँ पे उसे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ उसमें का जो डार्कर शेड है उससे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश ले लिया है और उसकी हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं अपने जॉ लाइन, चेक, फॉरहेड एंड नोज को कॉन्टोर करूँगी इससे। मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और इस तरह से मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपका नोज़ प्रॉपर शेप है, छोटा सा स्मॉल सा है, लाइक क्यूट नोज़ होता है वैसे, तो आप डायरेक्टली अपने फिंगर के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप इस मेथड का भी यूज़ करके अपना नोज़ कॉन्टोर कर सकते हो। यहाँ पे मेरी नोज़ कॉन्टोरिंग हो चुकी है। अब अगेन मैं अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन का कोलोजल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड लाइनर है, आप अगर चाहें तो जेल लाइनर का भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं बहुत हल्का सा विंग अप्लाई कर रही हूँ। मैं आउटर विंग में थोड़ा ज़्यादा बड़ा विंग ड्रॉ करने वाली हूँ एंड जो अपर लैश लाइन है वहाँ पे पतला सा ही ड्रॉ करूँगी लाइनर इस तरह से। अगर आप लाइनर अप्लाई करने में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप किसी चीज़ का हेल्प ले सकते हो, लाइक अपना जो अगर आपका हाथ शिवर हो रहा है तो आप अपना हाथ किसी टेबल पे रख के या फिर अपने हाथ को होल्ड करके भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मेरा लाइनर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगेन डार्केस्ट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश का यूज़ किया है और इस तरह से मैं जस्ट आउटर वी साइड पे ही अप्लाई कर रही हूँ। मैं फुल आईलिड पे, आई मीन फुल लोअर लैशेज पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये वाला स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ आईब्रो फिलिंग का, आपको याद रखना है कि आप मेकअप करने के पहले ही कर लो। आई मीन जब आप प्राइमर वगैरह अप्लाई कर लेते हो, आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करते हो उसी टाइम पे कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है आईब्रोज। बट मैं यहाँ पे करना भूल गई थी, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन प्रो का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है, शेड नंबर है इबोनी। सो इस तरह से मैं इसे फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे आईब्रोज जो है घने ही हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं जस्ट थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है वहाँ पे ही फिल कर रही हूँ इस तरह से, आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो आईब्रोज को नेचुरल रखना तो आप डायरेक्टली मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हो तो आईब्रो को फिल थोड़ा सा ही सही बट ज़रूर करें, उससे जो आपका आईज़ का लुक है वो थोड़ा और डिफाइन होके आता है। सो यहाँ पे मेरा आईब्रो फिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे काजल अप्लाई करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने मेबेलिन का जेल स्टूडियो जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश के टिप के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ काजल। ये इजीएस्ट वे है जेल लाइनर अप्लाई करने का, क्योंकि ब्रश जो उसमें मिलता है साथ में उसे अप्लाई करने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो मेरे आईज़ के अंदर लग जाता है तो पेनफुल होता है। सो ये जो वे है बहुत ईजी है, आप कोई भी जो सॉफ्ट पार्ट होता है किसी भी पतली चीज़ का आप उसका यूज़ करके इस तरह से काजल अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपर एंड लोअर दोनों वाटर लाइन पे अप्लाई किया है काजल। सो नाउ मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने आईलैशेस को कोट करने के लिए एंड थोड़ा सा वॉल्यूमनाइज करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे फेक लैशेस अप्लाई करूँगी। मैं सेम मस्कारा अपने आईब्रोज पे भी अप्लाई करूँगी इसे सेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने अपर एंड लोअर दोनों लैशेस पे अप्लाई कर लिया है मस्कारा। एंड मेक श्योर आप मस्कारा एंड जो लाइनर है वो वाटरप्रूफ ही यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी पसीने की वजह से ये सारी चीज़ें मेल्ट होने लगती हैं एंड ब्लेंड हो जाती है, यहाँ वहाँ स्मज हो जाती हैं। सो यहाँ पे मैंने फेक लैशेस भी अप्लाई कर लिए हैं एंड मैं अगेन मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे जो फेक एंड नेचुरल लैशेस है वो दोनों मर्ज हो जाए एक दूसरे में।
सो यहाँ पे हाइलाइटर छोड़ के मेरा बाकी सारा आई मेकअप जो है वो प्रॉपरली डन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई करूँगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन प्रो का 4K HD ब्लश यूज़ कर रही हूँ। उसमें से मैंने ये वाला शेड पिक किया है एंड मैं बहुत ही लाइट अमाउंट पे अप्लाई करूँगी क्योंकि ये वाला जो ब्लश है बहुत ही पिगमेंटेड है। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लगा ले रहे हो तो आप उसके ऊपर से कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करके उसे सेट कर सकते हो, लाइक अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया। मैंने यहाँ पे शेम ब्रश यूज़ किया है जो मैंने यहाँ पे कंटूरिंग के टाइम पे यूज़ किया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन प्रो का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, अगेन फ्रॉम रेवोल्यूशन प्रो। सो मैंने ये वाला हाइलाइटर यूज़ किया है, ये रोज़ गोल्ड हाइलाइटर है। सो इसे भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप यहाँ पे फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई स्मॉल ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, अब टोटली अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। सो यहाँ पे मैंने अपने चेक पे, चिन पे, थोड़ा सा क्यूपिड बोन पे एंड नोज़ पे भी अप्लाई कर लिया है। अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से मैं अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई स्मॉल पेंसिल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं अपने आईब्रो बोन्स पे भी अप्लाई करूँगी स्मॉल पेंसिल ब्रश के हेल्प से एंड इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मेरा हाइलाइटिंग पार्ट हो चुका है, अब बारी आती है लिपस्टिक की। सो यहाँ पे मैं शुगर पॉप का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, शेड नंबर है 02। सो मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया है। मैं रिसेंटली एक कॉस्मेटिक स्टोर पे गई थी कुछ लेने के लिए, तो मुझे ये वाला शेड दिखा है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये शेड, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया एंड मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। सो इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, लाइक ये आपको 250 समथिंग में मिल जाएगा ये लिपस्टिक। एंड इसका जो टेक्सचर है वो टोटली मैट एंड क्रीमी है, लाइक आप जब अप्लाई करते हो तो बहुत ही क्रीमी सा इफेक्ट दिखता है, बट थोड़े टाइम में, आई मीन कुछ 2 या 3 मिनट या सेकेंड्स में ये टोटली ड्राई हो जाता है, टोटली मैट हो जाता है एंड लाइक इट फील्स लाइक योर स्किन, यू नो, जैसे कि मैट लिपस्टिक्स होते हैं वो सूखने के बाद पपड़ी जैसे हो जाते हैं कुछ टाइम में, ऐसे फटे फटे और दिखते हैं, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ सा है मैट होने के बावजूद। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो उसके बाद आती है मेन पार्ट जो कि है मेकअप के एंड में अपने मेकअप को फिक्स करना। सो मैं यहाँ पे फेसेस करने का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अपने स्पेशल डे पे, आप चीप ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो बट मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो वर्थी है एंड यू नो लॉन्ग लास्टिंग है, आपके फेस पे अच्छा वर्क कर रहे हैं, वो आपको एक बार चेक कर लेना है तभी आप उसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो सकता है। इट्स योर स्पेशल डे सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें आप। सो यहाँ पे मैं अब ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पर्ल सेट पहनने वाली हूँ क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा सा पर्ल टाइप का ही है, उसमें पर्ल का वर्क है। सो यहाँ पे मैंने पर्ल का चौकर पहना है जिसमें ब्लू कलर का स्टोन लगा हुआ है, इसके लिए मैंने आई मेकअप भी ब्लू कलर का किया है उसके साथ मैच करने के लिए। सो यहाँ पे अब मैं हेयर स्टाइल करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी भी काफ़ी डिसेंट सा रखा हुआ है क्योंकि आजकल वेस्टर्न जो लुक होता है उसमें डिसेंट लुक ही चल रहा है, डिसेंट ज्वेलरी ही चल रही है। सो यहाँ पे मैं साइड वाला हेयर स्टाइल करने वाली हूँ जिसमें मेरे सारे बाल जो है एक साइड में आगे रहेंगे एंड कर्ल रहेंगे। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे हेयर सीरम ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था अपने हेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि मैं यहाँ पे कर्ल करने वाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हेयर मूस्क यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोवा का हेयर मूस्क यूज़ कर रही हूँ, आपको कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा, मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया था। मुझे एक्चुअली लॉरियल का परचेस करना था बट वो कहीं मिल नहीं रहा था मुझे, सो मैंने नोवा का ले लिया था और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। सो आप यहाँ पे हेयर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो बट हेयर स्प्रे जो होते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं बालों को एंड बहुत कड़क होते हैं, बट हेयर मूस्क जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब इसमें भी हार्ड वाला आपको मिल जाएगा बट आप सॉफ्ट वाला ही परचेस करें जो कि आपके कर्ल्स को भी या फिर स्ट्रेट कर रहे हो तो आपके हेयर स्टाइल को होल्ड कर सके एंड सॉफ्ट भी रहे। सो आपको लगाने के बाद अच्छे से कोम कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे साइड से इस तरह से ट्विस्ट वाला हेयर डू कर रही हूँ एंड मैं पीछे जाके इसे पिन अप कर दूँगी हेयर पिन के हेल्प से।
आप कोई भी पिन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बट मेक श्योर ब्लैक कलर का एंड पतला पिन हो, गोल्डन वाला पिन मत यूज़ करना, बॉबी पिन। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लफ कर रही हूँ इसे इस तरह से, एंड मैंने सारे बाल को पीछे लेके अच्छी तरह से पिन अप कर लिया है ताकि इस साइड कोई भी बाल ना आ सके। सो आप देख सकते हो इस तरह से आपको अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पे आप चाहे तो पूरे बालों को कर्ल करके फिर ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप साइड में करके डायरेक्टली भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि आपके जो कर्ल्स है वो पूरे नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि आपके बाल मोस्टली सारे आगे ही रहने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं इस तरह से आगे बाल लेके साइड में फिर कर्ल्स कर रही हूँ ताकि ये फटाफट भी हो जाएगा, एंड जितना मुझे चाहिए उतने क्वान्टिटी में कर्ल्स भी करूँगी। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा कर्ल नहीं कर रही हूँ, मैं हल्का सा वेवी लुक देने के लिए यहाँ पे कर्ल्स कर रही हूँ। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप कर्ल करते हो एंड डायरेक्टली कर्लर से निकालते हो तो आपको इस तरह से छोड़ नहीं देना है, उसे थोड़ा सा होल्ड करके रखना है अपने हाथों के अंदर ताकि वो गर्म से थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक कर्ल्स आपका टिक पाए। अगर आप ऐसे डायरेक्टली छोड़ दोगे तो वो कर्ल्स ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है एंड स्ट्रेट हो जाते हैं बाल। सो यहाँ पे मेरा कर्ल्स हो चुका है जितना मुझे चाहिए था उतना इस तरह से। उसके बाद मैं सारे कर्ल्स जो है उसे खोल दूंगी इस तरह से हाथ घुमाते हुए। यहाँ पे आप कोम का भी यूज़ कर सकते हो, बट कोम से टोटली बाल वेवी दिखने लगेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे हाथों का यूज़ कर रही हूँ। हाथों से थोड़े से फ्रीजी भी दिखेंगे एंड कर्ल भी प्रोटेक्ट रहेगा। सो उसके बाद मैं यहाँ पे ये टियारा अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये किसी भी लोकल स्टोर पे या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, इस तरह का बहुत सारा टियारा अवेलेबल है। इसे भी मैं सेम बॉबी पिन के हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। यहाँ पे दिया होता है आगे सर्कल, दोनों साइड पे सर्कल हुप दिया होता है, वहाँ से आप सिक्योर कर सकते हो। इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है साइड में। ये वाला पार्ट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइड अप्लाई करना चाहते हो। जहाँ से ओपन हेयर है आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो साइड में, या फिर आप जहाँ से ट्विस्ट कर रहे हो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने साइड में अप्लाई किया है जहाँ पे मैंने ट्विस्ट किया हुआ है हेयर स्टाइल। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पफ देने के लिए, थोड़ा सा फ्लफी इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे हल्के से बालों को लेके इस तरह से बॉबी पिन से सिक्योर कर रही हूँ, एंड आगे के बालों को पीछे के बालों के साथ मर्ज कर रही हूँ ताकि वो जो मैंने पफ क्रिएट किया है वो दिखाई ना दे। सो यहाँ पे हमारा हेयर स्टाइल एंड मेकअप ऑल डन हो चुका है। सो या गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। एंड यस गाइज, अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हो और आप इस वीडियो को ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। यस, अगर आप मेरे किसी भी लुक को रिक्रिएट करते हो तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे ज़रूर टैग करना ना भूले। मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो एंड मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सो या गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।